Hello everyone, welcome to NAI's Daily Current Affair Program. It's a free initiative, and today we have three articles. Let's start with the first one that is National Clean Air Program. सो so, एक रिपोर्ट आई है और यू कैन से एक डेटा आया है जिसमें यह बताया गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर दिल्ली को जो भी फंड अलोकेट किए गए थे उसका उन्होंने केवल 32 परसेंट अराउंड ही यूटिलाइज किया है एंड दिस इज नॉट गुड क्योंकि दिल्ली जो है उन बॉटम फाइव सिटीज में से एक है जहाँ पे पॉल्यूशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीवियर है सबसे पहले तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में समझते हैं सो so, ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था एनवॉर्मेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसका ऑब्जेक्टिव अगर वन लाइन में बोला जाए तो पॉल्यूशन को टैकल करना था डिटेल में बात करें तो दरअसल यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर के रिडक्शन के टारगेट्स रखे गए हैं फॉर एग्जाम्पल जो पर्टिकुलेट मैटर टेन है उसके पॉल्यूशन के लेवल को ट्वेंटी फाइव तक फोर्टी फोर्टी तक रिड्यूस कर देना है साथ में यहाँ पे हमने 132 सिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया है जहाँ पे हमें पॉल्यूशन को टैकल करना है स्पेसिफिकली हमारा फोकस है नॉन अटेनेबल सिटीज़ की तरफ यानी कि जहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है और रिफॉर्म्स ज़्यादा नहीं हुए हैं एंड यहाँ पर बेसिकली उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने पर ज़्यादा फोकस है जहाँ से पॉल्यूशन का एमिशन होता है Uh, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के uh, अंडर हमने कुछ इंटरवेंशंस भी किए हैं फॉर एग्जाम्पल uh, जैसे मकैनिकल रोड स्वीपर्स का इस्तेमाल किया जाता है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकल्स का यूज़ किया जाता है साथ में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से एमिशन को रिड्यूस करने पे फोकस किया जाता है साथ में एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का जो है ट्राई किया जाता है ताकि पब्लिक को भी पता हो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है एंड किन मेथड्स के जरिए वो भी कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं डेटा की बात करें तो देखिए दिल्ली ने अपने फंड का ओनली 32% परसेंट यूटिलाइज किया बाकी का जो बेसिकली 68% परसेंट था वो अनयूटिलाइज रहा वो पांच स्टेट जिन्होंने इस फंड को मैक्सिमम जो है यूज किया है उसमें अमृतसर फर्स्ट नंबर पे आता है 99% परसेंट फंड उन्होंने यूज किया है देन वी हैव झांसी पुणे झारखंड एंड नवी मुंबई तो इसके अलावा कुछ और डाटा यहाँ पे दिया गया है आप देख लीजिएगा बट दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चन इस पे आपको देखने के लिए मिल सकता है मूव ऑन करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको आप यहाँ पे बेसिकली बेसिकलीमेंट के साथ लिंक कर सकते हो सो रिसेंटली कॉप सिक्सटीन हमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का देखने के लिए मिला है जिकल मतलब डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर सक करते हैं सो इट्स ट्रिटी ये एक संधि है और जो यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बेसिकली मल्टीपल कंट्रीज के बीच में साइन की गई है मतलब किस तरीके से हम अपनी जैव विविधता को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखा गया है अलॉन्ग विद डेट यहाँ पे जो बेसिकली uh, बेनिफिट्स है जो हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मिलते हैं उनकी इक्विटेबल शेयरिंग पे भी ध्यान रखा जाता है माफ कीजिएगा सो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइबल कम्युनिटी के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट से कोई पर्टिकुलर केमिकल एक रिलीज होता है जिससे कोई पर्टिकुलर डिजीज ठीक हो सकती है और कल को कोई कंपनी उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट बना दे तो उस कंपनी को उस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ भी बेनिफिट का शेयर करना पड़ेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक प्रोविजन है अगर हम बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो दे जनेरियो में उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया था गोल्स वही थे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के कॉम्पोनेंट्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना है

कि 2030 तक हम यहाँ पे अपने लैंड एंड मरीन एरिया के 30 परसेंट को प्रोटेक्ट करेंगे राइट है? तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि एक टारगेट जो है हमारे पास यहाँ पे है अब ये जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इसके कुछ की टेक अवेज की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ तो ऑल यहाँ पे एक सब्सिडरी बॉडी बनाने की बात की जा रही है जिसमें इंडिजीनियस कम्युनिटीज होंगी राइट है जो कि स्वदेशी लोग होते हैं Uh, ताकि बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन में उनकी भी एक पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो सके साथ में डिजिटल सीक्वेंस एग्रीमेंट भी किया गया है uh, काफी लंबे टाइम से इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि जीन्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन किसी एक के पास है जिसका आप कमर्शियल यूज कर सकते हो क्या वो दूसरे के साथ शेयर की जा सकती है तो फाइनली यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म से कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डराइव होती है तो उसकी शेयरिंग किस तरीके से यहाँ पे होगी इसके अलावा ये भी बोला गया है कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन है उसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना इसको एक साथ लेकर यहाँ पर हम चलेंगे एंड देन री किया गया है कि भाई जो हमारा थर्टी बाई थर्टी एक गोल है उसको जो है अचीव किया जाए एंड साथ में ये भी कहा गया है कि ट्वेंटी थर्टी तक हमें टू हंड्रेड बिलियन डॉलर रिक्वायर होंगे ग्लोबल लेवल पर इंडिया की बात करते हैं सो so, इंडिया ने ये कहा है कि भाई एटी वन थाउजेंड करोड़ रुपीज से ज्यादा जो है बेसिकली खर्च करने वाले हैं अगर ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी थर्टी का बात करें डिफरेंट डिफरेंट डिफरें बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स पर हमने अपनी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में भी जिक्र किया जैसे एक हमारे पास इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जहाँ पे बेसिकली हम बिग कैट स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने पे काम कर रहे हैं और साथ ही इकोसिस्टम की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं देन रामसर साइट्स की अगर हम बात करें यानी कि वेटलैंड साइट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी इंडिया में ट्वेंटी सिक्स से इंक्रीज होकर एटी फाइव हो गई है और हमारा प्लान है हम इनको जो है हंड्रेड तक लेकर जाएंगे दैट मीन्स इंडिया अपने यहाँ पे मोर नंबर ऑफ वेटलैंड साइट को आ, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक प्रोमिस दे रहा है तो यस इसको आप ध्यान रखिएगा जैसे कि हमें पता ही है कि जो वेटलैंड हमारे होते हैं वो इको सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राइट नाउ द थर्ड आर्टिकल डेपसांग इसको प्लेसोज इन न्यूज की तरह आप देख सकते हो तो इंडियन आर्मी रेज्यूम पेट्रोलिंग इन द डेपसांग तो 2020 में गलवान वैली में इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आ, उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कुछ ऐसे आ, बेसिकली एरियाज़ थे जहाँ पर ट्रेडिशनली आ, इंडियन जो आर्मी थी वो पेट्रोलिंग किया करती थी बट वो चाइना की बेसिकली गलवान वैली के झड़प के बाद वो सिचुएशन नहीं रही थी तो लगातार हम चाइना के साथ बेसिकली इन्वॉल्व थे आ, कि वापस से अपनी अपनी पोजिशनस पे जो है हम रिस्टोर हो जाए तो वैसा ही बेसिकली यहाँ पे फाइनली एक हो गया है तो देपसांग प्लेन की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर लाइन है वहां पर देपसांग है आ, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो काराकोरम पास के काफी क्लोज है और ये स्योक और जो सियाचिन रिवर है उनको कनेक्ट uh, करता है बेसिकली एलएसी से इसको वाई जंक्शन भी बोलते हैं राइट right? क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिकली uh, काफी सारे पेट्रोलिंग पॉइंट जो है इस तरह की शेप बनाते हुए दिखाई देते हैं तो प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाई जंक्शन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा मैप की तरफ देखिए सो दिस रेड लाइन इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बट रियल बॉर्डर जो इंडिया अपनी इंटरनेशनल को मानता है यानी कि इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ऑफिशियली वो हम इसको मानते हैं बट रिसेंटली दिस रेड लाइन जो है यहाँ पर इंडिया चाइना की पोजीशन देखने को मिलती है आ, ये आपको गलवान का साइड देखने के लिए मिल जाएगा दिस इज देपसांग प्लेन और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली पेगोंगसो लेक जो है राइट वो देखने के लिए मिल जाएगी एंड यहाँ पे फर्दर कुछ बाउंड्रीज हैं जो आप देखोगे कि चाइना की तरफ से क्लेम की जाती है राइट right? तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना इंपॉर्टेंट है और एक लोकेशन के बेसिकली कंटेक्सट में दूसरी लोकेशन की रिलीवेंट पोजिशन समझना जरूरी है क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड एंड बने रहिएगा हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ एंड अभी तक अगर आपको ये शानदार पी डी एफ्स नहीं मिल रहे हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए एंड आपके व्हाट्सएप एंड ई मेल पर हम डेली आपको ये पी डी एफ शेयर करेंगे थैंक यू सो मच एवरी वन गर्व से कहिए जय हिंद एंड सी यू दिन वाई